हाँ जी, मैं अनन्या और मैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स को, सभी लोगों को जो मेरे ये वीडियो देख रहे हैं, सबको मैं सतर्क करना चाहती हूँ कि तूफान बहुत जल्दी ही मेरठ में भी दस्तक देने वाला है। हर जगह 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 जिलों को में दस्तक देने वाला है तूफान। बहुत भारी जगह जगह अलर्ट कर दिया गया है। ये तूफान राजस्थान में आ चुका है, बहुत भयंकर आंधी आई हुई है, बहुत भयंकर, और ये धीरे धीरे उससे राजस्थान से आगे आगरा तक आ चुका है, यूपी के आगरा तक आ चुका है, जो धीरे धीरे सभी शहरों में आगे आगे बढ़ता जा रहा है। तो मैं आपको ये ही हिदायत दूंगी कि प्लीज़ बहुत ज़्यादा सावधानी बरतें। अगर आप पहली बात तो कोशिश ये करें कि आप घर से ना निकलें, बिल्कुल भी घर से ना निकलें, और अगर आप निकल रहे हैं तो किसी खम्बे वम्बे के पास या किसी पेड़ के पास बिल्कुल मत खड़े होइए। जी हाँ, आपकी सावधानी के लिए बता रही हूँ मैं आपको। अगर आप मोबाइल चार्ज रखें, टॉर्च रखें अपने, शाम को घर जल्दी आ जाना भाई, टॉर्च रखें अपने साथ में और पेड़ों के पास बिल्कुल मत खड़े हुए। आंधी के दौरान बिजली के खम्बे के आसपास बिल्कुल मत खड़े होइए, बिल्कुल भी बिजली के खम्भों के पास मत खड़े। और जगह जगह तारे भी टूट सकती हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें बहुत ध्यान से। अगर लग रहा है आपको कि तूफान है तो कहीं पक्की जगह पर देख के, किसी घर में या किसी दुकान में जा कर के रुक जाइए। तूफान के बीचों बीच स्कूटर बाइक मत चलाइए, ये आपकी सावधानी के लिए हम आपको बता रहे हैं। तो बहुत ध्यान से आप चले, क्योंकि आंधी भरी आया है, तूफान है, ये जगह जगह पहुँच रहा है, तो लोगों को सुरक्षित रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्कूटर बाइक, अगर मान लीजिए आप ऑन रोड हैं और स्कूटर बाइक चलाना ही पड़ रहा है, तो बहुत आराम से धीरे धीरे बहुत धीमी गति में चलाइए, उसकी स्पीड ज़्यादा तेज ना हो, बहुत धीमी हो। लाइट्स अपनी स्कूटर बाइक की बिल्कुल सही रखें, तो कहीं कोई दिक्कत ना आए। और बाकी अगर कहीं अपने घर में कहीं भी अगर आग को खुला छोड़ रखा है, तो आग को, आग जलने को उसको बंद